गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि जो ये बड़े बड़े फ्लैट्स होते हैं कितने रिस्की हैं। लोग यहाँ पे करोड़ों को रुपया लगा के जब 3 या 4 कमरे ले रहे हैं, सिर्फ इसीलिए ले रहे हैं कि यहाँ पे सोसाइटी अच्छी है, रहने को अच्छा है, लेकिन लास्ट में आपको क्या मिल रहा है? 7 के 7 फ्लोर। ये सामने जो टावर दिख रहा है, डी ब्लॉक है ये, इसके 7 के 7 फ्लोर जो है रात को गिर गए। एक लेंटर गिरा, फिर दूसरा गिरा, फिर तीसरा गिरा, चौथा गिरा और पांचवा गिरा, ऐसे करते करते फर्स्ट फ्लोर पे ये आ गया। फर्स्ट फ्लोर में एक अंकल एक आंटी रहते थे, वो दबे हुए हैं। अंकल तो शायद ज़िंदा है क्योंकि उनको अभी हॉस्पिटल लेकर गए हैं। उनका जो पैर वगैरह हैं वो सारे के सारे मलबे में दबे हुए थे, तो रात तक वो अंदर ही पड़े रहे। और जो आंटी हैं वो तो अभी निकल नहीं पाई हैं, उनकी आवाज़ भी नहीं आ रही, तो मतलब मेरे ख्याल से डैडी हैं। वैसे न्यूज़ चैनल पर दिखा रहे हैं कि मतलब 2 लेडीज़ मरी हैं, तो जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे एक लेडीज़ मरी हैं और जो सेकंड फ्लोर है वहाँ पे एक लेडीज़ मरी हैं, तो 2 लोगों की डेथ हो गई है। तो भाई ये है, ये देखिए फ्लोर टूटा पड़ा है। ये जो फर्स्ट फ्लोर है राइट साइड में पूरा का पूरा जो है ये मलबे से भरा हुआ है। ये सारे के सारे फ्लोर जो है ना राइट साइड के, जहाँ पे आप खिड़कियाँ टूटी हुई दिख रही हैं, ये सारा का सारा नीचे आ गया। और रात को जब मैंने ये वीडियो बनाया था तब इतना क्लियर नहीं था, लेकिन अभी मैं आपको क्लियर व्यू दिखा रहा हूँ। और अभी पता चला है कि जो फर्स्ट फ्लोर में एक लेडीज़ थी और एक जेंट्स, दोनों के दोनों लेडीज़ का तो पता नहीं है कि वो अभी ज़िंदा हैं कि नहीं है, उनकी कोई आवाज़ नहीं आ रही है अंदर से। मतलब वो मलबे में अभी तक दबी हुई हैं, तो उनका कोई पता नहीं है। बट जो मेल थे, जो एक अंकल थे यहाँ पे, वो मतलब लोअर पार्ट उनका एकदम फ्रैक्चर हो चुका है, अभी हॉस्पिटल लेकर गए हैं। और जो सेकंड फ्लोर की एक लेडी थी, कह रहे हैं कि उनकी तो डेथ हो चुकी है। तो ये 7 के 7 फ्लोर जो है रात को नहीं, मतलब शाम को 6 बजे ये सारे के सारे नीचे गिरे थे। तो अभी पुलिस वगैरह यहाँ पे NDRF की टीम अभी तक बैठी हुई है, रात से ये यहीं पर हैं। और किसी भी लोगों को बाहर से यहाँ पे आने दे रहे हैं, यहाँ तक कि प्रेस रिपोर्टर वगैरह कोई भी अंदर नहीं आ रहा, तो मतलब क्लियर। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को भी इन्वेस्टमेंट करनी है, सोच समझ के करो यार, इन बिल्डिंग्स ने कुछ नहीं रखा है।